मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ NMMR PG कॉलेज चापा से हूँ। हम लोगों ने पिछली क्लास में कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि जो कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं उनमें तीन मुख्य लक्षण पाए जाते हैं, नोटोकार्ड का पाया जाना और नर्व कार्ड का पाया जाना और फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो ये तीन बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो कॉर्डेट एनिमल्स में पाए जाते हैं। आज हम लोग फाइलम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको दो ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है एक्रैनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा है क्रैनिएटा और यूकॉर्डेटा। एक्रैनिएटा को हम ऐसे कह सकते हैं, ए मींस एब्सेंस, क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम। क्रेनियम मैंने जो हमारा हेड रीजन है, इसका जो पीछे वाला भाग ये पूरा, ये क्रेनियम कहलाता है। इसी के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें ये जो क्रेनियम या कपाल है वो नहीं पाया जाता है, उन एनिमल्स को, उन कॉर्डेट्स को एक क्रेनिएटा में रखा गया है। और इसे प्रोटोकॉर्डेटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, प्रिमिटिव या लोअर कॉर्डेट्स, ऐसे कॉर्डेट्स जो सबसे पहले विकसित हुए, तो उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा मतलब ऐसे कॉर्डेट्स जिनमें क्रेनियम क्या होता है, पाया जाता है, यानी ये कपाल है जो वो पाया जाता है। इन्हें यू कॉर्डेट्स भी कहते हैं। यू मतलब ट्रू कॉर्डेट्स या हायर कॉर्डेट्स, क्योंकि ये कॉर्डेट्स ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। फिर हम आते हैं, जो एक क्रेनिएटा ग्रुप है उसको तीन सब फाइलम में बांटा गया है। पहला है हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, दूसरा, तीसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा नाम से स्पष्ट है, हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेट इन्हें कॉर्डेट कैरेक्टर्स, इन्हें एनिमल की बॉडी में आधे भाग तक ही जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, हेमिकॉर्डेटा ने, जिसे मुख्य लक्षण कॉर्डेटा का क्या है, नोटोकॉर्ड का पाया जाना। तो हेमिकॉर्डेटा वाले एनिमल्स में हाफ बॉडी पार्ट तक नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो इस उनको रखा गया है क्या, हेमिकॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा को दो मेन क्लासेस में बांटा गया है, एंटीरोप्नोस्टा और टीरोब्रैंकिया। एंटीरोप्नोस्टा क्लास में ऐसे हेमिकॉर्डेट आते हैं जो लंबे शरीर वाले होते हैं और जिनकी एलिमेंट्री कैनाल भी क्या होती है, लंबी होती है। इसका एक एग्जाम्पल है बैलेनोग्लॉसस। दूसरा है टीरोब्रैंकिया। टीरोब्रैंकिया क्लास में ऐसे हेमिकॉर्डेट्स आते हैं जिनका शरीर क्या होता है, छोटे साइज का होता है और उनकी एलिमेंट्री कैनाल यू शेप में होती है ऐसे। तो इनको टीरोब्रैंकिया क्लास में रखा गया है। इसका एग्जाम्पल है रेप्टोप्लूरा। अब हम आते हैं यूरोकॉर्डेटा के बारे में जानने के लिए। तो यूरो मतलब क्या होता है, टैल। कॉर्डेटा मतलब यहाँ पर कॉर्डेट कैरेक्टर्स, मतलब इन कॉर्डेट एनिमल्स में जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, नोटोकार्ड, नर्व कार्ड, इनका पाया जाना कहाँ होता है, यूरो यानी टेल वाले भाग में होता है। नोटोकार्ड और नर्व कार्ड पूंछ वाले भाग में होता है और इनका जो बॉडी है वो एक टेस्ट या ट्यूनिक के अंदर कवर्ड रहता है, इसीलिए इनको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन क्लासेस आती है, एसिडिएशिया, थैलिएशिया और लार्वेशिया। एसिडिएशिया में जो एनिमल्स आते हैं वो समुद्री होते हैं और ये क्या होते हैं, एक सेसाइल नेचर के होते हैं, यानी एक ही स्थान पर फिक्स्ड होते हैं। इन एनिमल्स में लार्वल स्टेज में ही कॉर्डेट कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और एडल्ट स्टेज में कॉर्डेट लक्षण है जो विलुप्त हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हर्डमानिया। दूसरा है आपका थैलिएशिया। थैलिएशिया में
फ्री स्विमिंग वाले ट्यूनिकेट्स आते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले, ये सोलिटरी या कॉलोनियल हो सकते हैं। सोलिटरी मतलब या तो ये अकेले रह सकते हैं या समूह में, कॉलोनियल मतलब समूहों में। इसका एग्जांपल है आपका शाल्पा, दूसरा है लार्वेशिया। लार्वेशिया इन एनिमल्स में क्या होता है कि जो लार्वल कैरेक्टर्स रहते हैं वो एडल्ट बॉडी में भी विद्यमान रह सकते हैं, तो इन एनिमल्स को लार्वेशिया के अंतर्गत रखा गया है। इसका एग्जांपल है ओइकोप्लूरा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सबफाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो मतलब क्या होता है, हेड रीजन से। कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं जो हेड से लेके टेल वाले भाग तक रहते हैं, स्थित रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को सिफेलोकॉर्डेटा सबफाइलम में रखा गया है। इसका एग्जांपल है आपका इसका एक क्लास है लेप्टोकार्डाई, और इसका एग्जांपल है आपका एम्फियोक्सस, या एम्फियोक्सस ही मेन वो है, और या तो इसको ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं। इन एनिमल्स की क्या खास बात होती है, इनकी बॉडी फिश लाइक होती है, मछली के समान, और इनमें मायोटोम्स पाए जाते हैं। मायोटोम्स ये ऐसे आकार की मसल्स जो दिख रहा है आपको ये। अब हम आते हैं जो क्रैनिएटा है ग्रुप, उसका सबफाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मतलब क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी। तो इन एनिमल्स में क्या होता है कि जो नोटोकार्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाता है, और नरोकार्ड स्पाइनल कॉर्ड में, नरोकार्ड का पीछे वाला भाग स्पाइनल कॉर्ड में रूपांतरित हो जाता है। तो इन एनिमल्स में यानी कि क्या, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो वर्टिब्रेटा सबफाइलम है उसको दो डिविजन्स में बांटा गया है। पहला है एग्नाथा और दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नाथा नाम से स्पष्ट है, ए मीन्स एब्सेंस, ग्नैथा मतलब जॉज, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें जबड़ों का अभाव होता है, जॉज एंड पेयर्ड अपेंडिजेस, यानी जोड़ीदार उपांग इनकी अनुपस्थिति होती है, उन एनिमल्स को एग्नाथा डिविजन में रखा गया है। दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा में क्या है, जो यहाँ पर जॉज और पेयर्ड अपेंडिजेस हैं, वो इन एनिमल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एग्नाथा डिविजन है उसको दो क्लासेस में बांटा गया है। पहला है ऑस्ट्रेकोडर्माई, दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्माई में पूरे एक्सटिंक्ट वर्टिब्रेट्स आते हैं, नहीं वर्टिब्रेट वाले क्रैनिएट्स आते हैं। तो ऑस्ट्रेकोडर्माई में जो एनिमल्स हैं वो अभी नहीं पाए जाते हैं, तो इनके बारे में हमको ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है क्योंकि ये फॉसिल रूप में है। दूसरा आता है जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा नाम से स्पष्ट है, साइक्लो मतलब क्या होता है, सर्कुलर गोलाकार, स्टोमेटा मतलब क्या होता है, माउथ। ऐसे एनिमल्स जिनमें गोलाकार माउथ होता है उनको साइक्लोस्टोमेटा की श्रेणी में रखा गया है। तो इसके अंतर्गत दो मेन ऑर्डर्स आते हैं, पेट्रोमाइजोन्सिया और मिक्सिनोइडिया। पेट्रोमाइजोन्सिया का एक एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजान, और मिक्सिनोइडिया का एग्जाम्पल है मिक्सिन। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे आगे। पेट्रोमाइजान में बक्कल फनल पाया जाता है जिसके द्वारा ये मछली के ऊपर चिपका रहता है और उसके रक्त को क्या करता है, शक करता है, जबकि मिक्सिनोइडिया में ये नहीं पाई जाती है। और इसके बारे में अभी इतना ही बता रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्नैथोस्टोमेटा। तो इसके सुपर, दो सुपर क्लासेस हैं, पाइसिस और टेट्रापोडा। नाम से स्पष्ट है, पाइसिस में क्या आती है, सभी तरह की मछलियां जिनमें क्या होता है, फिन्स पाए जाते हैं, पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं और स्केल्स पाए जाते हैं। सभी मछलियां में स्केल्स और फिन्स का पाया जाना मुख्य लक्षण होता है। तो इसको भी, पाइसिस को भी तीन क्लासेस में बांटे हैं हमने, प्लेकोडर्माई, कॉन्ट्रेक्थीस और ऑस्टिक्थीस। प्लेकोडर्माई में ऐसी मछलियां आती हैं
जिनमें स्केल्स है, जो निःशल्क है, जिनके ऊपर का कवर है, वो किसका बना होता है? बोनी, इन्हें बोनी स्ट्रक्चर का बना होता है, इन्हें बोन से बना होता है, बोनी स्केल्स पाए जाते हैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल है आपका क्लाइमेटियस, ये भी फॉसिल रूप में ही ज्यादातर पाए जाते हैं। इसके भी इसमें इस क्लास में भी सभी यानी फिशेस, और दूसरी है कॉन्ड्रिक्थीस। कॉन्ड्रिक्थीस में सभी कार्टिलेजिनस फिशेस आती हैं। कार्टिलेजिनस का मतलब जिनका बॉडी में एंडोस्केलेटन यानी अंतः कंकाल किसका होता है? कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थि का बना होता है। तो ये मछलियां क्या आती हैं? किसमें? कॉन्ड्रिक्थीस में आती हैं। इनमें प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं, और इनका माउथ क्या होता है? वेंट्रल साइड में होता है, नीचे की तरफ ओपन होता है। फिर इसका एग्जाम्पल है आपका, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है स्कॉलियोडॉन डॉग, इसको कॉमनली डॉग फिश कहा जाता है। अब दूसरा जो क्लास है पाइसिस में, ऑस्टिक्थीस। ऑस्टिक्थीस का मतलब क्या होता है? ऐसी मछलियां जिनका अंतः कंकाल बोन्स का बना होता है, यानी अस्थि का बना होता है, और इनका माउथ कैसा होता है? एंटीरियर पोजिशन में होता है, यानी अग्रभाग में होता है। कॉन्ड्रिक्थीस में फिशेस का माउथ कैसा होता था? वेंट्रल साइड में नीचे की तरफ खुलता था, लेकिन ऑस्टिक्थीस में सामने की तरफ खुलता है। तो इसका एग्जाम्पल है लेबियो। तो ये हो गया पाइसिस के बारे में। अब हम जानेंगे टेट्रापोडा के बारे में। तो टेट्रापोडा सब सुपर क्लास है, जो नाम से स्पष्ट है, टेट्रा मतलब फोर, पोडा मीन्स लेग्स। ऐसे एनिमल्स, ऐसे कॉर्डेट्स जिनमें चार पैर पाए जाते हैं, उनको टेट्रापोडा की श्रेणी में रखा गया है। टेट्रापोडा को चार सुपर क्लासेस में बांटा गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। तो सबसे पहला क्लास क्या है? एम्फीबिया। एम्फीबिया नाम से स्पष्ट है, एम्फी मतलब बोथ, बियॉन यानी रहने वाले, लिविंग मतलब ऐसे कॉर्डेट्स जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं, उनको कहाँ रखा गया है? एम्फीबिया क्लास में रखा गया है। जैसे कि आपका मेंढक है, टोड है, इनको एम्फीबिया में रखा गया है। दूसरा है रेप्टिलिया क्लास। तो रेप्टिलिया में ऐसे कॉर्डेट एनिमल्स जो रेंग कर चलते हैं, उनको रेप्टिलिया में रखा गया है। जैसे इसमें सभी स्नेक्स, सांप और सभी तरह की छिपकलियां या लिजर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट है क्लास एवीज। एवीज में ऐसे कॉर्डेट्स जो उड़ने वाले रहते हैं, तो उनको क्लास एवीज में रखा गया है। इन कॉर्डेट्स में जो फोर लिम्स होती है, अग्रपाद होते हैं, जो वो पंख में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये क्लास एवीज में सभी तरह के पक्षी आ गए। नेक्स्ट क्लास है आपका मैमेलिया। मैमेलिया सबसे एडवांस्ड कॉर्डेटा का क्लास है। इसके अंतर्गत ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके स्किन में ग्लैंड्स पाए जाती है, हेयर पाए जाते हैं, मेमरी ग्लैंड पाई जाती है इन कॉर्डेट्स में, और पिन्ना पाए जाते हैं। पिन्ना है ना, ये बाह्यकर्ण जो हम लोग में पाए जाते हैं, सभी मेमेलियंस में ये पाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग भी क्लास मेमेलिया में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कॉर्डेटा का, फाइलम कॉर्डेटा का मैंने आउटलाइन क्लासिफिकेशन बताया है, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है अच्छे से, तो आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कॉलिग्स को शेयर करिए, जिससे उन लोग भी इसका लाभ ले सकें।